हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप ये पीपीटी यूज कर रहे हैं ना, पीपीटी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं? तो बेटा इसमें आई लव माई इंडिया लिखते हैं ना, उसको लिखने के बाद जो फील बनाते हैं उसको रन करा के दिखाओ बेटा, कैसे कराते हैं? सबसे पहले हमें ये हटाना होगा। ठीक है बच्चा, इंसर्ट पे जाके सेव पे। ठीक है बच्चा, हमें ये आला लेना। ठीक है बच्चा, जो डोनट नाम से है जो। ठीक है बच्चा, फिर हम चित्र के साथ अपने आप साइड से ठीक कर देंगे इसका। ठीक है बच्चा, जैसे कि हमने मैंने हमने इतना ले लिया, फिर मैं इसको थोड़ा फेस कर लेना। ठीक है बच्चा, तो राइट क्लिक के साथ फॉर्मेट सेव पे जाएंगे, फिर यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ 25 सब में 25 डाल लेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ उसमें कलर डालेंगे, फिल पे जाके ग्रेडियंट फिल पे जाएंगे, ऑटोमेटिक पहले मैंने सेट कर रखा है, वरना आप यहाँ पे स्टॉप 1 स्टॉप 2 स्टॉप 3 है। स्टॉप 1 पे ऑरेंज कलर सेट करना है, स्टॉप 2 पे वाइट कलर सेट करना है, स्टॉप 3 पे ग्रीन कलर सेट करना है। ऑटोमेटिक सेट हो गए मेरे, तो मैं क्लोज करता हूँ इसको। और फिर बैकग्राउंड कलर में लाना है तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे, फिर ग्रेडियंट में जैसे करेंगे ऑटोमेटिक हमारा बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा। फिर हम इसको थोड़ा नीचे करेंगे, फिर हम इसके अंदर का फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे, अगर बाहर भी निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको सेलेक्ट करके हल्का सा डाउन करेंगे इसको, फिर व्हील हो गया। फॉर्मेट पे जाके सेंड टू बैक, इसको हम बैक पे सेंड कर देंगे, फिर हम इसको ग्रुप करेंगे कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके इसे ग्रुप कर देंगे। ग्रुप हो गया हमारा। अब सब फिर हम इंसर्ट पे जाएंगे, फिर हम सेव स्क्रोप पे जाएंगे, फिर हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल को हम इतना सेलेक्ट करेंगे, इतना सेलेक्ट करेंगे, फिर वो फॉर्मेट सेप पे जाएंगे, फिर 3D ग्रेडियंट फिल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आ गया हमारा। अब हम 3D फॉर्मेट पे जाएंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम 25 और यहाँ पे लाइटिंग पे जाकर इसको, और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसके मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं एक इसको सेलेक्ट करूँगा और एक को भाई ये सेलेक्ट। तो हमारा ये व्हील अभी बाहर आ गया है, अब हम इसको दोबारा बैक कर देंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। ग्रुप करके अब बैक हो गया, इसको ग्रुप कर देंगे। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, अब हम पूरा अनसेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पे, फिर जो सेलेक्ट करना है हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे आई आई एन। लिखने के बाद कंट्रोल ए के साथ कंट्रोल होल्ड कर लेंगे हल्का सा, फिर इसको इस साइड में रखो, और फिर हम स्टैक्स वाले पे जाएंगे, फिर ग्रेडियंट वाले पे जाएंगे, फिर यहाँ मोर ग्रेडियंट्स ग्रेडियंट फिल पे जाएंगे, तो हमारा वो वाला ही आ गया है दोबारा। इसमें हम पाथ पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा बहुत नहीं आया, इसको सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। 3D फॉर्मेट कैंसिल करने के बाद अब हम उसको व्हील को हम रन करेंगे, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर एनिमेशन पे जाएंगे, फिर कस्टम एनिमेशन पे, फिर ऐड इफेक्ट, फिर मोस्ट पहले हम इसके स्पिन वाला ऑन कर देंगे, फिर हमारा ऐसा आ रहा है तो हमें थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा। आपका फिर भी हमारा नहीं आ रहा है, उनका बैक करेंगे और इस वाले पार्ट को एंड तक ले जाएंगे।
और फिर हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है, तो अब हम ऑन क्लिक पे जाके विद प्रीवियस रहेंगे, दोनों हमारे होते जा रहे हैं, तो साइड में जाके टाइमिंग पे सिलेक्ट करेंगे। वे जो 2 सेकंड्स हम टाइमिंग यहाँ पे मैं जैसे कि रखता हूँ 15 सेकंड्स, और नंबर में सिलेक्ट करना है अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, तब हमारा ऐसे ऐसे हल्के हल्के राइट की साइड बढ़ना है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड।